हेलो क्लास हाउ आर यू सो वी हैव फिनिश्ड ऑफ़ आर चैप्टर नंबर फाइव दैट वॉज सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसिस एंड आई एम श्योर कि अब आपको काफ़ी सारी सेपरेशन टेक्निक्स पता हो गई होंगी राइट एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द सोल्यूबिलिटी की सोल्यूबिलिटी क्या चीज़ होती है और वो किसके साथ बढ़ती है दैट इज़ विद द राइज इन टेम्परेचर राइट नाउ आइडियली वी वुड हैव स्टार्टड चैप्टर नंबर सिक्स बट एज पर दिलेबस वी आर चैप

And हम उनके बारे में उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस किस तरह की प्लांट होते हैं क्या फंक्शन होते हैं राइट सो लेट इज बिगन अर नाउ यू माइड हैन यू लेबल दिज पार्ट फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए दिस वन दिस इज बी दिस इज सॉरी दिस थिंग सी दिस इज डी नाउ यू ऑल हैव डन दिस बिफोर इन योर लोअर क्लासेस ये है आपका क्वेश्चन फॉर द डे दैट मीन्स आप कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे एंड इसका आंसर लिखेंगे कि ए डैश ये क्या चीज है बी क्या है सी क्या है डी क्या है एंड यू विल राइट दिस इन द कॉमेंट बॉक्स गिवन बिलो आई विल चेक हु ऑल हैव गि द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट right? अब हम आ जाते हैं क्लास सिक्स में जो कि हम नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना आपने देखा होगा वेन एवर यू गो टू अ पार्क और अ फॉरेस्ट और एनी सच एरिया तो वहाँ पे क्या एक ही तरह के प्लांट्स और ट्रीज प्रेजेंट होते हैं नो इन फैक्ट देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स वाइड वेराइटी से मतलब बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट शेप हो सकती है डिफरेंट साइज हो सकता है डिफरेंट टाइप हो सकता है बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं राइट सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड अपॉन देयर साइज सो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये जानेंगे कि प्लांट्स को हम उनके साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं सो so, लेट स्टडी दिस पार्ट नाउ इन दिस एक्टिविटी वट दे आर रिक्वायरिंग यू टू डू इज़ कि आप कहीं पार्क में जाओ या कहीं जाओ और वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स को देखो ऑब्जर्व करो और उसे इस तरह से लिखो कि आपको तीन तरह के प्लांट्स फाइन करने हैं कौन से पहले वो प्लांट फाइन करने हैं जिनकी हाइट या साइज़ आपसे छोटी है दूसरे वो जिनकी साइज ऑलमोस्ट आपके बराबर है almost about your size and third the other one which are taller than your height. So if you will uh, notice, then you will find you know there are many types of plants jo aap is category में uh, you can classify them as आप ऐसे column बना सकते हो you will draw this table in your notebook ये notebook में जाएगी preferably इन तीनों की जगह आप अपने आप खुद search कीजे पार्क में प्लांट्स या अपने घर में अगर आपके पास प्लांट्स हैं आप खुद सर्च कीजिए और ये कॉलम्स फ़िल कीजिए आपको कॉलम में क्या क्या फ़िल करना है कि आप पहले में फिल करोगे जो जो शॉर्टर देन मी है उसमें आप वो सारे प्लांट्स यहाँ पे लिखोगे फिर जो मच स्टॉलर देन मी एंड ऑलमोस्ट ऑफ योर सेम साइज़ में आप यहाँ लिखोगे कौन से ग्रीन हैं कौन से टेंडर हैं टेंडर मतलब किन की जो स्टेम है वो सॉफ्ट है किन की स्टेम थिक है या किन की स्टेम हार्ड है यानी कि वुडी है राइट right? सेकेंड चीज़ में आप लिखोगे कि उनकी ब्रांचेस जो हैं वो कैसे आ रही हैं आर दे कमिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम मतलब ये जो अगर सॉइल है क्या वो सारी ब्रांचेस हमारी नीचे से आ रही हैं या फिर वो ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं ये इन दोनों चीज़ों का ये मतलब है आप ये लिखोगे कि कौन सा प्लांट जो किस कैटेगरी में आ रहा है एंड देन वी विल लास्ट फिल दिस कॉलम एट द लास्ट ये कॉलम मैं अभी आपको समझाती हूँ थोड़ा हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं नाव यू विल फिल दिस कॉलम फॉर एट लीस्ट सिक्स प्लांट्स एट लीस्ट मीन्स मिनिमम छः प्लांट्स के बारे में आप यहाँ पे भरोगे तो आप ढूंढ सकते हो कोई भी घर पर पार्क में या कहीं एन दिस टेबल यूल ड्रॉ इन द नोटबुक राइट नाव अब मैं बताती हूँ कि इसकी क्लासीफिकेशन कैसे की जाती है तो साइज के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट्स को हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज़ योर हर्ब्स नंबर टू इज श्रब्स एंड नंबर थ्री इज ट्रीज एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है ये आपका हर्ब है दिस इज योर श्रब एंड ऑफकोर्स दिस इज़ योर ट्री अब ज़रा हम इनके बारे में स्पेसिफिकली देख देते हैं कि साइज़ के अलावा ऐसी और क्या चीज़ है जो इनमें फ़र्क ला रही है बिकॉज अगर साइज देखा जाए तो आप इजीली ट्री को तो डिफरेंशिएट कर सकते हो दे वेरी टॉल लेकिन ये दोनों हर्ब एंड श्रब आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइजेस तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे लेट मी टेल यू अप हियर पहली बात हर्ब्स के बारे में हम पढ़ते हैं अब फर्स्ट पॉइंट हर्ब्स कौन से होते हैं पहली बात ये इनकी शॉर्ट हाइट होती है दे आर यूजअली शॉर्ट हाइटेड ठीक है एक पॉइंट ये हो गया आपका दूसरी बात इनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स मतलब ऑब्वियसली उनका कलर ग्रीन है एंड टेंडर से मतलब दे आर सॉफ्ट दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड दे मे नॉट हैव यू नो मेनी ब्रांचेज दैट आर देयर तो आप देखोगे इस वाले डायग्राम में आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ ये वाला जो है हर्ब इसमें जो ब्रांचेस आ रही हैं हमारी यहाँ पे ये यह ऊपर की तरफ आ रही है मतलब ये नीचे सॉइल के पास नहीं है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अगर ये प्लांट है तो इसकी ब्रांचेस यहाँ पर आ रही हैं यहाँ से यह डायरेक्ट सारी ब्रांचेस स्टार्ट नहीं हो रही तो ऐसे प्लांट में जहाँ पे ब्रांचेस हमारी ऊपर से आती हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं और जो नीचे से आती हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं इसे और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सो so, आप इसका थर्ड पॉइंट ही हो जाएगा दे मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव ब्रांचेज नियर द बेस इसकी जगह आप लिखिए दे डोंट हैव ब्रांचिज नियर द बेस आप थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा हर्ब्स के बारे में अब देखते हैं श्रब्स क्या हैं सेकंड पॉइंट श्रब्स हमारे वो हैं जिनकी जो ब्रांचेज हैं वो आती हैं नियर द बेस जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ये नीचे ये, यहीं से इसकी ना ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाती हैं तो ये हमारे श्रब की कैटेगरी में आता है राइट right? ऑल्सो जो इसकी स्टेम होती है वो हार्ड होती है सो दिस इज़ ये पॉइंट वन हो गया ये आपका पॉइंट टू हो गया एंड दे आर नॉट वेरी थिक इसका पॉइंट थर्ड हो गया सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स ना ऑब्वियसली आप यहाँ पे डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए तो आप आसानी से आप ढूंढ सकते हैं राइट right? यहाँ ये पूरा आपका आएगा हर्ब्स का डेफिनेशन एंड ये पूरा आपका आएगा श्रब्स का डेफिनेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए आप मार्क कर लीजिए बुक में बिकॉज यू नो डिफ्रेंसीशन में या फिर डिफाइन में ये आता है राइट right? अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर दैट इज़ अबाउट दी ट्रीज़ अब ट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करना वैसे तो बहुत ही आसान है बिकॉज यू नो दीज प्लांट्स आर वेरी टॉल नंबर वन दे आर वेरी टॉल सेकेंड थिंग दे हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम दे हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम एंड ऑब्वियसली जो आपका थर्ड पॉइंट है जो इनकी स्टेम्स होती हैं दे हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट बहुत ऊपर मच अबव दी ग्राउंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट मच अबव द ग्राउंड एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज मतलब इसकी जो ब्रांचेज आती हैं वो ग्राउंड से बहुत ऊपर जाके इसकी यहाँ पे ब्रांचेज आती हैं ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज राइट right? इसकी भी डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं ये आपका पूरा डेफिनेशन हो जाएगा ट्रीज़ का सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई होप दिस मच ऑफ इट इज़ क्लियर राइट तो बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर साइज एंड उनकी स्टेम्स वगैरह कैसे हैं हमने प्लांट्स को तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जो कि थी हमारी हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज राइट इज इट क्लियर बट क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे हैं जो कि दे डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन प्लांट दूँ मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट डज इट हा यू नो स्टैंड स्ट्रेट उसकी ब्रांचेज ऊपर आती हैं नो no, वो तो इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर रहा ना वो हर्ब है ना वो श्रब है ना, ना वो ट्री है तो व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ प्लांट्स नाउ लेट अस सी दिस वन अब क्या होता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं वीक होते हैं तो अब कोई चीज़ वीक है तो वो खुद तो अपने आप नहीं खड़ी हो सकती अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा यू विल नॉट हैव द इनफ एनर्जी टू स्टैंड सिमिलरली जो प्लांट्स वीक हैं वो खुद तो खड़े नहीं हो सकते सो दोज प्लाट्स विच कैन नाट स्टैंड अप एंड उस वजह से क्या होता है वो गिरने लग जाते हैं उधर उधर दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स दिस इज द डेफिनेशन फॉर क्रीपर्स तो ये हमारा क्या होगा ये एक और टाइप पे हमने क्लासीफाई कर दिया जिसमें हमारा फोर्थ कैटेगरी आई क्रीपर्स राइट अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ठीक है वो भी वीक होते हैं लेकिन उनकी आदत होती है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना तो वो क्या करते हैं दूसरे के ऊपर सपोर्ट लेकर दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड कीप ऑन क्लाइंबिंग तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स सो वॉट आर क्लाइंबर्स दे आर दोज प्लांट्स दे आर दोज प्लांट्स दैट टेक द सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स अगर आप देखेंगे ये इन दोनों के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये कौन से प्लांट हैं क्रीपर मतलब क्रीप करने वाले एंड क्लाइंबर्स मतलब क्लाइम करने वाले राइट सो हेयर आर द सम एग्जा यू नो इट्स अ पिक्चर शोन विट इज ऑफ अ क्लाइंबर तो मनी प्लांट क्या है दैट इज क्लाइंबर एंड क्रीपर की अगर बताऊँ अगर आपने वाटर देखा होगा वाटर जो होता है उसका प्लांट और जो वो होता है वो जमीन पर ही फैल रहता है इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड एंड इट कैन नॉट क्लाइंब अप तो उसको हम कैटेगरी में डालते हैं क्रीपर की कैटेगरी में सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड टिल नाउ द प्लांट्स इंटू फाइव मेन कैटेगरीज फाइव मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन करोगे एज होमवर्क दैट यू विल राइट यू विल राइट At least four examples we will write at least four examples of each of the category categories of plants. ये question आप homework में खुद करेंगे. Question में बता देती हूँ आपको जितने भी category हैं plants की कितनी category हैं? पांच कैटेगरी है आप उनके एटलीस्ट चार चार एग्जाम्पल नोटबुक में लिखेंगे सो दिस विल ऑल्सो गो इन द नोट बुक सो नाउ यू हैव टू वर्क दैट आर टू बी डन इन द नोटबुक राइट सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव लर्न की प्लांट्स को उनकी कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड देयर स्ट्रक्चर राइट तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है देन डू क्लिक द लाइक बटन एंड If you're new to the channel, then subscribe and hit the bell icon so that you're always updated whenever the new video is posted. You will automatically get the update. So, till then, we'll see you in the next class. So, bye and take care.